संगीत सुधा बरसे। ओ ये दुख सहा न जाए, है राम याद पिया के आए तड़पत बित मुझे उन बिना रतिया आए न बार का करु सजने आए न बार। नमस्कार, मैं अनुज चटर्जी, मेरा नया लर्निंग वीडियो लेसन 20 लेकर आज आपके सामने। शुरू में मैंने दो वेरी फेमस पॉपुलर दादरा सांग भाई उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब, एक याद प्या की आए और दूसरा काकरु सजनी आयना बलम, इनके बहुत छोटा छोटा हिस्सा मैं आपको सुनाया। इसका कारण ये है कि आप देखेंगे ये जो जगह है जहाँ पर खान साहब ने अमेजिंग एक सपाट लेकर लौट रहे हैं, क्या फ्लेक्सिबिलिटी है उनकी आवाज़ में। और मेरे गुरुजी पंडित अजय चक्रवर्ती जी भी, क्या गाया ये दोनों कंपोजिशन। तो हम लोग को भी दिल में लगता है कि आह अगर हमारी आवाज़ वैसा फ्लेक्सिबल हो कि जहाँ मर्जी हम जा सकते हैं, जहाँ से हम लौट सकते हैं, ऐसा फ्लेक्सिबिलिटी अगर हमारे भी आवाज़ में हो तो बात बन जाता। तो ये हम जो गाते हैं, जो गाना सुनते हैं, गाना सीखते हैं, सबके दिल में होता है कि आह क्या अमेजिंग इसका फ्लेक्सिबिलिटी है। और ऐसा नहीं है कि बस आप ये एक दादरा लिया या ख्याल लिया या कुछ भी, जैसे कि मैं एक बंगाली गाना आपको सुना रहा हूँ कि ये लता जी का गाया हुआ है, इसका एक मराठी भी वर्शन है और बंगाली में भी उन्होंने गाई, क्या कमाल का हृदयनाथ जी का कंपोजिशन है और सरिल चौधरी जी का लिरिक। तो उसमें एक जगह है कि दूरे आकाश शामियाना प्रदीप जलाए तारा, दूरे आकाश तो आ, आ। ये जो तान है ये एक ही चीज है, वो डिपेंड करता है कि आवाज की फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर। आज के हम जो विषय चुना है चर्चा करने के लिए वो है हाउ टू इंक्रीज दिस फ्लेक्सिबिलिटी इन वॉइस। इसके लिए क्या चर्चा करना पड़ता है, इसका मेथड है, इसका प्रैक्टिस है। अगर आप समझ के, जान के, देख के वो प्रैक्टिस करेंगे तो मेरा यकीन है कि आप सबकी आवाज़ भी वैसे ही फ्लेक्सिबल होंगी। तो इसके लिए क्या चर्चा करना पड़ता है, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। जैसे कि ये सारेगा गरेसा, तो ये वेरी इजी पार्ट है। तो सारेगा गरेसा दिन रेगा मा मा गरे गा मा पा पा मा गा, ये हम सबको मालूम है, वेरी इजी। लेकिन इसको हम कैसे चर्चा करेंगे, ये देखिए कि सारे गा जो है तो सारे गा, इसको हम सारे गा नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे गा, जो कि द लास्ट नोट है। सारे गा इस फ्रेज में लास्ट नोट है गा, तो इसको हम बोलेंगे गा गा। तो सारे गा की जगह गा दिल करे सा, इसकी जगह सा, तो गा सा गा सा गा सा। तो फर्स्ट पार्ट की गा सा देन रे गा मा मा रे, तो मारे मारे गा सा मारे पा गा।
तो पा इस गा मा पा गा दैट मीन्स पा मा गा तो गा सा मा रे पा गा दा मा दैट मीन्स मा पा दा दा बा मा धा मा गा सा मा रे पा गा दा मा नी पा सा धा रे नी गा सा। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें आवाज़ का फ्लेक्सिबिलिटी कैसे बढ़ सकता है कि गा सा मा रे पा गा दा मा नी पा सा धा रे नी गा सा देन धा सा धा दैट मीन्स सा नी धा धा नी सा धा सा पा नी मा धा गा पा रे मा सा गा नी रे धा सा फर्स्ट प्रैक्टिस। तो धा सा पा नी मा धा गा पा रे मा सा गा नी रे सा धा सा। तो मन में आपको वो पूरा स्वर दिखना चाहिए, ये है फर्स्ट प्रैक्टिस। अभी सेकंड है, इसको आप बढ़ाते जाइए। लाइक सा रे गा, इसकी जगह हम सा रे गा मा तो मा सा मा सा दिन पा रे दैट सा रे गा मा मग रे सा रे गा मा पा पा मग रे मा सा पा रे धा गा नी मा सा पा। तो लास्ट जिस नोट पे हम जा रहे हैं उसको हम उच्चार कर रहे हैं मन पे, लाइक सा दैट मीन्स पा दा नी सा सा पा तो मा सा पा रे दा गा नी मा सा पा रे दा गा नी मा सा। तो आप समझ सकते हैं कि ऑलरेडी वॉइस चलना शुरू हुआ। पहले था गा सा मा रे पा गा, नाउ मा सा पा रे दा गा नी मा सा पा रे दा गा नी मा सा। तो इसका लौटना क्या होगा, पा सा मा नी गा धा रे पा सा मा नी गा रे पा सा तो पा सा मा नी दैट मीन्स द पा मा गा का दा रे पा मा गा रे जे पा सा मा नी गा दा रे पा सा। क्लियर? अभी इसको और बढ़ाइए, दैट इज पा सा पा सा पा सा पा सा सा रे गा मा पा पा मा गा रे सा देन धारे 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 पा सा धारे। एक एक फ्रेज को बार बार पा सा देन मीन्स सा रे गा मा पा पा मा गा रे सा पा पा सा पा सा पा सा तेन रे गा मा पा दा पा मा गा रे धारे 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 नी गा नी गा नी गा सा मा नौ पा दा नी सा रे रे पा। तो इसका लौटना कैसे होगा, मैं दो एग्जांपल बोल रहा हूँ कि सा नी दा पा मा दैट्स मा सा नी दा पा मा गा गा नी दा पा मा गा रे 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 धा देन पा मा गा रे सा सा पा। अभी आप जितना चर्चा करेंगे उतना अच्छा हुआ। तो ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते एक जगह जाएगा कि सा रे गा मा पा दा नी सा सा नी दा पा मा गा रे सा दैट सा सा देन गा मा पा दा नी सा रे गा गा नी सा नी दा पा मा गा 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 रे रे सा 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 रे रे गा फ्लेक्सिबिलिटी की।
रे तड़पत तड़पत बीते मोरी उन बिना रतिया न बालव सनी दब मगर सनी दब सांसे पातर बालव का करू तो डोंट यू फील इट्स द सेम काइंड ऑफ मूवमेंट. तो इसको आप चर्चा कीजिए, इससे धीरे धीरे लय पहले कम करके के गा सा मा सा पा सा धा सा नी सा सा सा. तो धीरे धीरे आपको कॉन्फिडेंस मिलता जाएगा कि हाँ इसको हम करेंगे. एंड आई एम प्रेटी श्योर दैट ऑल ऑफ यू आर गोइंग टू सिंग मार्वेलस. लेकिन इसको आप प्रैक्टिस कीजिए. होप दिस विल हेल्प यू इंक्रीजिंग योर फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वॉइस. थैंक यू.